हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कंडेंसर कॉइल्स के बारे में और उनमें यूज़ होने वाले मेटल के बारे में। कौन सा मेटल ज़्यादा बेटर है, कौन से मेटल की क्या एडवांटेज हैं, किसकी क्या डिसएडवांटेज हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जब भी एयर कंडीशनर्स की बात होती है तो कंडेंसर कॉइल्स की भी बात होती है, उसमें यूज़ होने वाले मेटल की भी बात होती है। और आप सब जानते हैं कि हमारे चारों तरफ ये शोर मचा हुआ है कि कॉपर बहुत ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन दोस्तों, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर कॉपर ही सबसे ज़्यादा बेटर है तो कंपनियां, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको नहीं पता कि कॉपर सबसे ज़्यादा बेटर है तो क्यों ये एल्युमिनियम के कंडेंसर कॉइल उतारते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। और हम ये भी जानेंगे कि एल्युमिनियम के कंडेंसर कॉइल सबसे पहले कौन सी कंपनी ने यूज़ करना स्टार्ट किए और कब यूज़ करना स्टार्ट किए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एल्युमिनियम के कंडेंसर अभी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं, लेकिन दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा पुराना है, अभी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है ये भी। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि कंडेंसर कॉइल बनाने में एल्युमिनियम यूज़ कब होना शुरू हुआ। तो दोस्तों, एसी जो है बहुत ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है, पहले से ही एसी आते हैं। उस टाइम लेकिन दोस्तों एसी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो कंपनीज ये सोचने में लगी हुई थी कि किस तरह से एसी की कॉस्ट को कम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसी को अफोर्ड कर सकें और उनकी सेल बढ़ सके। तो ऐसे में जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने ऑलमोस्ट 1970 में अपने HVAC सिस्टम्स में एल्युमिनियम के कंडेंसर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, HVAC सिस्टम्स क्या होते हैं, बड़े प्लांट जो होते हैं, जैसे हमारे मॉल्स में, सिनेमा में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में जो यूज़ होते हैं उनको कहते हैं हीटिंग, वेंटिलेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है HVAC सिस्टम। तो उस टाइप के ACs में उन्होंने एल्युमिनियम के कंडेंसर यूज़ करना स्टार्ट किया और उसके बाद से उन्होंने ये पाया कि एयर कंडीशनर की कीमत जो है वो काफ़ी कम की जा सकती है एल्युमिनियम यूज़ करके। और ऐसा ही हुआ, एयर कंडीशनर की कीमत कम हुई और उनकी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ गई, क्योंकि कंज्यूमर को बजट में एसी चाहिए होता है और यही कर दिया जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने 1970 में। तो अब हम ये तो जान चुके हैं कि एल्युमिनियम का कंडेंसर भी कोई नई बात नहीं है, ये भी एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और इतने टाइम से उसको भी यूज किया जा रहा है, तो उसमें भी कोई तो बात होगी ही। तो अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस की। डिफरेंस में बात करते हैं सबसे पहले हीट ट्रांसफर की। दोस्तों, कंडेंसर एक ऐसा पार्ट है एसी का जो आपके कमरे की गर्मी को एनवायरनमेंट में बाहर छोड़ देता है, यानी कि आपका एसी कमरे की गर्मी को अब्सॉर्ब करता है और कंडेंसर के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपके कंडेंसर में जो भी मेटल का यूज़ किया जाता है वो बेस्ट हीट एक्सचेंजर होनी चाहिए। अगर हम कॉपर और एल्युमिनियम में कंपैरिजन करें तो कॉपर इज़ द बेस्ट हीट एक्सचेंजर मेटल देन एल्युमिनियम, तो यहाँ पर कॉपर बाजी मार जाता है। दूसरा पॉइंट है कॉस्ट का। कॉस्ट में दोस्तों, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कॉस्ट के मामले में कॉपर ज़्यादा कॉस्टलियर है, इसलिए एल्युमिनियम को यूज़ में लाया गया। और ऐसा ही होता है, जितने भी बजट एसी होते हैं उसमें आपको एल्युमिनियम के कॉइल्स ही मिलते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम सस्ता आता है, कॉपर काफ़ी महंगा आता है। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉस्ट कटिंग में। दोस्तों, एक हार्ड मेटल को मोल्ड करना या उसको किसी शेप में लेके आना बहुत मुश्किल होता है, उसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है कि एक सॉफ्ट मेटल को शेप में लाना या मोड़ना, बेंड करना बहुत आसान होता है। और एक चीज और दोस्तों, सेम साइज की आप कॉइल ले लीजिए, एक कॉपर की एक एल्युमिनियम की, आप पाएंगे कि कॉपर वाली में कॉपर ज्यादा यूज हुआ होगा और एल्युमिनियम वाली में एल्युमिनियम कम यूज हुआ होगा, क्योंकि आप उसको शार्प बेंड कर सकते हैं एल्युमिनियम को, जबकि कॉपर को आप नहीं कर सकते। कॉपर को आप शार्प बेंड करेंगे तो वो वहाँ पे पिंच हो जाएगी। इसका एग्जांपल मैं आपको गाड़ियों की टर्निंग से देता हूँ। आप सपोज एक बड़ी गाड़ी है, मर्सिडीज है, उसको आप कहीं से टर्न कर रहे हैं तो वो एक बड़ा राउंड बनाएगी, जबकि आप 800 को टर्न करेंगे तो वो एक शार्प राउंड बनाएगी, छोटा राउंड बनाएगी। तो इसी तरह से कॉपर को जब आप बेंड करते हैं तो उसको बड़ा राउंड बनाना होता है ताकि वो पिंच ना हो जाए, और एल्युमिनियम को आप शार्पली बेंड कर सकते हैं। तो इसमें मेटल भी कम यूज़ होता है और अल्टीमेटली जब मेटल कम यूज होगा तो एसी की कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो ये भी एक पॉइंट है कि मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा यूज करते हैं एल्युमिनियम का अपने बजट एसीज को बनाने में। तो अब बात करते हैं कोरोजन की। तो दोस्तों, कोरोजन का मतलब होता है किसी मेटल को जंग लगना बेसिकली। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लाइमेट में अगर मॉइस्चर है तो बेशक वो कॉपर हो चाहे एल्युमिनियम हो, दोनों को ही जंग लगेगा ही लगेगा। तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा मेटल ज्यादा बेटर है, क्योंकि इस पर कंपनीज रेगुलर काम कर रही हैं। आप सब
जानते हैं कि कॉइल्स पर कोरोजन ना है इसके लिए कंपनीज कभी ब्लू कोटिंग करती हैं, कभी गोल्ड कोटिंग करती हैं, कभी ब्लैक कोटिंग करती हैं। तो ये सब इसलिए ही होता है ताकि कोरोजन जो है उसको रोका जा सके। लेकिन कॉपर वाले कंडेंसर में एक एडवांटेज मिल जाता है, अगर कोरोजन की वजह से कोई लीकेज वगैरह होती है तो उसको ईजिली रिपेयर किया जा सकता है और ऑन साइट ही किया जा सकता है, जबकि एल्युमिनियम वाले कंडेंसर को ऑन साइट रिपेयर नहीं किया जा सकता और मोस्टली तो कंडेंसर पूरा का पूरा चेंज ही करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है एल्युमिनियम कंडेंसर्स के साथ, उसको फिर चेंज ही करना पड़ता है और जो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। बात करते हैं मेंटेनेंस की। तो दोस्तों मेंटेनेंस की बात करें तो कॉपर वाले जो कॉइल होते हैं उनको मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है, उस पर आप प्रेशर से पानी मारिए तो वो साफ हो जाते हैं, जबकि एल्युमिनियम वाले जो कॉइल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आपने देखा होगा वो जालीनुमा होते हैं, उनमें मिट्टी वगैरह जम जाती है, उसको भी पानी मारेंगे तो साफ हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एक सॉफ्ट मेटल है, उसको अगर आप जोर से पानी बहुत ही ज्यादा प्रेशर से कई बार पानी मार देंगे तो वो कॉइल खराब हो जाती है। तो इसलिए एल्युमिनियम वाले कंडेंसर को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है, उसकी मेंटेनेंस जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, जबकि कॉपर वाले जो कंडेंसर हैं उसको तो आप घर में ही पानी से साफ कर दो तो बहुत बढ़िया हो जाते हैं। और अब बात करते हैं रिपेयरिंग की, क्योंकि हमने एसी तो खरीद लिया है लेकिन उसके बाद अब उसकी रिपेयरिंग भी करनी है। तो दोस्तों कॉपर के कंडेंसर जो होते हैं वो इजिली रिपेयरेबल होते हैं, ऑन साइट हो जाते हैं, उन्हें खोलना नहीं पड़ता, चेंज नहीं करना पड़ता, अनटिल अनलेस की पाइप फट ही ना गया हो, क्योंकि हल्की फुल्की लीकेज को तो टांका लगाकर वहीं पर ही ठीक कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा एल्युमिनियम के कंडेंसर में नहीं हो पाता है, उसको फिर चेंज ही करना पड़ता है। तो यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस है कि किसी चीज को रिपेयर करना तो उसमें 5-600 हजार 1500 लग सकते हैं, लेकिन अगर एक चीज को रिप्लेस करेंगे तो आपके 3000 4000 5000 तक भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल की कितने का वो पार्ट मार्केट में अवेलेबल है, और दूसरी बात अवेलेबल है भी या नहीं। तो इसलिए कॉपर के जो कॉइल्स हैं वो बेटर रहते हैं रिपेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपको समझ आ गया होगा कि कॉपर के कंडेंसर कॉइल अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि कॉपर वाले जो एसी हैं वो थोड़े से महंगे आते हैं, लेकिन एल्युमिनियम वाले जो हैं वो सस्ते आते हैं। तो बजट के हिसाब से कई बार हम चीज़ खरीदते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि आप एक बार थोड़े से पैसा एक्स्ट्रा डाल लो, एक कड़वा घूट पी लो, जिससे आप बाद में सुखी रहोगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कॉपर तो यूज़ करती हैं कंपनीज, लेकिन पाइप की गेज पतला करते जा रही हैं, अब उसको पहचानना बहुत मुश्किल है। हम कॉपर देख के तो ले आते हैं, लेकिन उस कॉपर की क्वालिटी क्या है, कितना मोटा है, कितनी गेज है पाइप की, पतले पतले पाइप यूज़ अगर कर रखे हैं दिखाने को कॉपर है, तो ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है। तो प्रॉपरली रेटिंग्स वगैरह सब कुछ देख के ही किसी प्रोडक्ट को बाय करें, ऐसे ही मत किसी के कहने पर कोई भी चीज़ खरीद कर घर पे ले आएँ। सबसे पहले उसका रिव्यूज़ ज़रूर चेक करें, ऑनलाइन सब कुछ आपको मिल जाता है, रिव्यूज़ हमेशा देखें, रेटिंग देखें, तभी किसी चीज़ को परचेज़ करें। और एल्युमिनियम और कॉपर में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो ऑलवेज़ गो फॉर कॉपर, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा ड्यूरेबल है, इस वजह से आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा एयर कंडीशनिंग का। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोगों को ये पता लग सके कि क्या फ़र्क होता है कॉपर और एल्युमिनियम में, और क्यों कंपनीज़ एल्युमिनियम के कंडेंसर अभी तक लेके आ रही हैं मार्केट में। और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।